ओम शांति। एक आदमी ने एक भूत पकड़ लिया और उसे बेचने शहर गया। संयोगवश उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने उससे पूछा, भाई यह क्या है? उसने जवाब दिया कि यह एक भूत है, इसमें अपार बल है, कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो यह एक पल में निपटा देता है, यह कई वर्षों का काम मिनटों में कर सकता है। सेठ भूत की प्रशंसा सुनकर ललचा गया और उसकी कीमत पूछी। उस आदमी ने कहा, कीमत बस 500 रुपए है। कीमत सुनकर सेठ ने हैरानी से पूछा, बस 500 रुपए? उस आदमी ने कहा, सेठ जी, जहाँ इसके असंख्य गुण है वहाँ एक दोष भी है, अगर इसे काम न मिले तो मालिक को खाने दौड़ता है। सेठ ने विचार किया कि मेरे तो सैकड़ों व्यवसाय हैं, विलायत तक कारोबार है, यह भूत मर जाएगा पर काम खत्म न होगा। यह सोचकर उसने भूत खरीद लिया, मगर भूत तो भूत ही था। उसने अपना मुंह फैलाया और बोला, काम 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 काम। सेठ भी तैयार ही था, उसने भूत को तुरंत 10 काम बता दिए, पर भूत उसकी सोच से कहीं अधिक तेज था। इधर मुंह से काम निकलता और उधर वह पूरा हो जाता। अब सेठ घबरा गया। संयोग से एक संत वहां आए। सेठ ने विनय पूर्वक उन्हें भूत की पूरी कहानी बताई। संत ने हंसकर कहा, आप जरा भी चिंता मत करो, एक काम करो, उस भूत से कहो कि एक लंबा बांस लाकर अपने आंगन में गाड़ दे, बस जब काम हो तो काम करवा लो, और कोई काम न हो तो उसे कहें कि वह बांस पर चढ़ा और उतरा करे, तब आपके काम भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी न रहेगी। सेठ ने ऐसा ही किया और सुख से रहने लगा। यह मन ही वह भूत है, यह सदा कुछ न कुछ करता रहता है, एक पल भी खाली बिठाना चाहो तो खाने को दौड़ता है। हमारी श्वास ही वह बांस है, श्वास पर भजन सिमरन का अभ्यास ही बांस पर चढ़ना उतरना है। आप भी ऐसा ही करें, जब आवश्यकता हो मन से काम ले लें, जब काम न रहे तो श्वास में नाम जपने लगो, तब आप भी सुख से रहने लगेंगे। ओम शांति। ऐसी दिलचस्प प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करें।